वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ दो चीज़ों से बहुत ही टेस्टी लड्डू। आज हम बिना घी, तेल, चाशनी के या फिर गुड़ के बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाने जा रहे हैं, जो झटपट 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। खाने में टेस्टी भी बहुत ही लगते हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है, विंटर स्पेशल ये लड्डू है। ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने 200 ग्राम मूंगफली ली है। मूंगफली को हमने थोड़ा भून के और उसके छिलकों को निकाल लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये 200 ग्राम हमने खजूर ली है, खजूर के हमने बीज को निकाल लिया है। बिना बीज की भी खजूर आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब ये हमने एक मिक्सचर जार लिया है, इसमें हम मूंगफली को डालेंगे। मूंगफली को हमें इसमें दरदरा पीसना है। तो मूंगफली को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरीके से ही हमें मूंगफली को पीसना है। अब उसी मिक्सचर जार में हम खजूर को डालेंगे और खजूर को हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। खजूर को सिर्फ हम एक ही बार चलाएंगे। तो देखिए, खजूर को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई ली है, तो जो हमारे ग्राइंड की हुई खजूर है उसे हम इसमें डालेंगे और इसे हमें गर्म करना है। खजूर को हम पिघलाएंगे, गैस के फ्लेम को हमने लो पे रखा है। लो फ्लेम पर इसे हमें बिना घी के ही पिघलाना है। तो देखिए, खजूर थोड़ा गर्म होने पर इस तरीके से थोड़ा मेल्ट होने लगेगा, तो इसी तरीके से थोड़ा हमें इसे मेल्ट कर लेना है। तो देखिए, खजूर हमारी मेल्ट हो चुकी है, बस इतना ही इसे हमें मेल्ट करना है और लो फ्लेम पर ही इसे आपको मेल्ट करना है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम जो हमारे ग्राइंड की हुई मूंगफली है वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मूंगफली को हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब खजूर गर्म हो तभी आप उसे में मूंगफली ऐड करके इसे मिक्स करें, तभी अच्छे से ये मिक्स होगा। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, लड्डू में हमने ना घी का यूज़ किया है, ना तेल का और ना ही गुड़ और चीनी का। 5 मिनट में ये लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। इसे आप ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक स्टोर के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पानी का भी यूज़ नहीं किया है और बिल्कुल बनाना इसे आसान है और हेल्दी भी है ये। ज़रूर ट्राई करें घर पर एक बार। और आप चाहें तो, अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो ये जो मिक्सचर है इसे आप प्लेट में या फिर कोई भी आपके पास कंटेनर हो उसमें डालकर इसे जमा सकते हैं और इसकी बर्फी बना सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो लीजिए, हमारे खजूर और मूंगफली के टेस्टी और हेल्दी लड्डू सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी सर्दियों का सीजन है, मूंगफली खाना हर कोई बहुत ही पसंद करता है सर्दियों में। खजूर और मूंगफली की तासीर भी गर्म होती है, तो सर्दियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है लड्डू। ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।